तो गाइज अपने मेन अकाउंट में हूँ और आप लोगों को पता ही है भाई साहब, अभी तक परफेक्ट चल रहा है मामला। और मैं करूँगा अटैक, क्या आज मेरा अटैक फेल होगा या 3 स्टार होगा वो तो पता लगेगा अटैक करने के बाद। तो चलते हैं भाई साहब अटैक के लिए। हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग, स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का आज की इस वीडियो में। तो गाइज सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे लास्ट वाली वॉर। लास्ट वाली वॉर की अगर बात करें तो भाई साहब आराम से जीत लेती हम लोगों ने, 38 स्टार्स हमारे यहाँ पर हो गए थे। और अभी देखते हैं करंट वाली वॉर। करंट वाली वॉर में भाई साहब एक भी अटैक हुआ ही नहीं है। तो गाइज ओपनिंग करने के लिए मन्ना भाई साहब आ चुके हैं। चलो भाई साहब देखते हैं क्या 3 स्टार दिला पाएंगे ओपनिंग में आज। चलो भाई साहब आर्मी तो आप लोगों को पता ही रहती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पर देखना यह होगा कि आज ये फर्स्ट अटैक कर रहे हैं CWL में, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि जब ये ओपनिंग कर रहे हैं CWL के अंदर। तो भाई साहब देखते हैं, टूर्नामेंट के अंदर ओपनिंग तो आप लोग देख ही चुके हो इनकी, आज CWL के अंदर भी देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स निकल रहे हैं, अभी देखते हैं। CC आ चुकी है, CC के अंदर लावा एंड आइस गोलम। ओके फिलहाल यहाँ पर रेज लगा दिए क्योंकि क्वीन के ऊपर डैमेज आ रहा है एंड टाउन हॉल और CC डाउन हो जाएगा, उसके बाद ये हाइब्रिड स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने एक फ्रीज का यूज़ कर लिया है क्योंकि क्वीन के ऊपर डैमेज भाई साहब बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए। और अभी भी भाई साहब डैमेज है, एक रेज और लगा दी है क्वीन के ऊपर। ओके एंड टाउन हॉल डाउन होगा तो थोड़ा डैमेज कम हो जाएगा। चलो भाई साहब एबिलिटी यूज ना हो जाए बस। अरे भाई साहब बच गई, नाइस इनवी। एंड ये वाली इनवी अगर नहीं डालते तो क्वीन की एबिलिटी चली जाती। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं हाइब्रिड जो है वो भाई साहब इनको वैल्यू दिला पाएगी नहीं दिला पाएगी। कुछ हॉक्स उछल गए, स्प्रिंट ट्रैप लगे थे यहाँ पर। अभी भाई साहब वार्डन की एबिलिटी कब यूज़ करेंगे वो देखना होगा। फिलहाल इनका फोकस पूरा भाई साहब क्वीन के ऊपर है, क्वीन की एबिलिटी जाने नहीं दे रहे, लेकिन कब तक बचाएंगे। अब तो स्पेल ख़त्म हो गई, अब तो यूज़ होनी है। अरे भाई साहब ये लो पूरी क्वीन ही डेड हो गई इनकी तो। अभी हाइब्रिड के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहने वाला है एंड ईगल कंपार्टमेंट काफ़ी हैवी है। CC के हॉक्स आ चुके हैं यहाँ पर, रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है। अगर उधर से क्वीन बची होती तो बहुत आसान होने वाला था, लेकिन भाई साहब अभी थोड़ा हार्ड होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वीन मर गई इसलिए। क्वीन उधर की सारी चीज़ें डाउन कर देती, हालांकि स्कैटर शॉट भी ले सकती थी क्वीन। और भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि फेल हो जाएगा। अभी एक हील स्पेल बचा हुआ है, इसको यार ये किधर यूज़ करने वाले हैं। इनका नेट तो नहीं उड़ा है, मुझे लगा कहीं नेट वेट तो नहीं उड़ गया, नेट तो नहीं उड़ा। अभी विजार्ड ड्रॉप किया, अभी यहाँ पर वॉल ब्रेकर ड्रॉप किया है। ओके एंड देखते हैं भाई साहब कुछ माइनर्स हैं इन्हीं के ऊपर, शायद ये हील डाल दें। और अभी भी भाई साहब हार नहीं मानी है, ट्राई कर रहे हैं कि 3 स्टार हो जाए। चलो भाई साहब देखते हैं यार मन्ना भाई साहब कहाँ तक हार नहीं मानेंगे। वैसे तो गाइज ये अटैक ना फेल हो चुका है एंड आप लोग भी देख के समझ ही चुके होंगे कि भाई ये अटैक फेल है, लेकिन अगर क्वीन बची होती ट्रिपल था। चलो भाई साहब देखते हैं कहाँ पर एंड होगा ये अटैक। अभी 86% हुआ, 87। ओके चलो भाई साहब सब कुछ अब डाउन ही हो गया लगभग। तो अब आज ओपनिंग में ट्रिपल नहीं दिला पाया मन्ना। अगला अटैक तैयार भाई कर रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं भाई इनका अटैक। क्वीन चार लालो कर रहे हैं फिलहाल गाइज यहाँ पर एंड फ्लैम फिंगर इन्होंने यूज़ किया है। और क्वीन को इधर लाने के लिए एक इनवी डाल दिया इन्होंने, क्वीन आ चुकी है इस साइड। अभी हीलर डालना होगा, एबिलिटी चली जाएगी नहीं तो। हीलर डाल दिया है इन्होंने। चलो भाई साहब यहाँ पर वॉल ब्रेक दे दिया है, क्वीन को टाउन हॉल के अंदर ले आना चाह रहे हैं। और भाई साहब ये जो प्लान है ना ये बहुत तगड़ा होता है, मतलब समझ रहे हो पावरफुल जाता है ये प्लान जो ये कर रहे हैं। अभी देखो फ्लैम फिंगर स्कैटर शॉट निकालेगी। चलो भाई साहब देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। क्वीन टाउन हॉल पर जानी चाहिए फिलहाल, क्वीन गलत आ रही है गाइस। अभी टाउन हॉल पर जा, चली जा, आ गई। चलो नाइस एंड यहाँ पर रेज मार दिया क्वीन के ऊपर डैमेज, किंग की एबिलिटी यूज़ कर ली है। फिलहाल ऊपर से RC भी दे दिए इन्होंने एंड CC को आना था क्वीन के ऊपर, लेकिन वो चली गई RC की साइड। ओके फिलहाल अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये स्कैटर शॉट डाउन हो जाता है तो यहाँ पर जो है ना फ्रीज गलत डाल दिया था, वैसे काम हो गया लगभग। एंड रॉयल चैंपियन के ऊपर डैमेज अब नहीं रहेगा क्योंकि एक्सबो तो क्वीन के ऊपर लॉक है। पॉइजन डाल दिया यहाँ पर एंड रॉयल चैंपियन निकाल लेगी। क्या रॉयल चैंपियन यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी ना। अभी देखते हैं भाई साहब, क्वीन को कोर में लाना चाह रहे हैं भाई साहब। आ गई है यहाँ पर रेड बॉम्ब तो अब नहीं है। अभी यहाँ पर देखते हैं भाई साहब
ऊपर से लालो स्टार्ट कर दिया इन्होंने। यहाँ पर दोनों हीरो हैं तो वार्डन एबिलिटी अर्ली देखने के लिए मिलने वाली है। एक हेडहंटर को वार्डन की एबिलिटी मिली नहीं, क्वीन वाले हेडहंटर को। अभी गाइस ये फेल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन बच गई है और क्वीन का बचना बनता नहीं था। अगर वार्डन की एबिलिटी मिल गई होती तो मतलब इतना ओपी अटैक करो और एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक अगर आप कर देती हो तो भी भाई साहब अटैक पूरा ख़राब हो जाता है आप लोगों का। देखो वही चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है अभी हमें। फिलहाल यहाँ पर क्वीन बची पड़ी है, अच्छी चीज़ ये है और टाइम है इनके पास, तो ट्रिपल ये अभी भी हो सकता है गाइज। ऐसा नहीं कि ट्रिपल नहीं हो पाएगा, ट्रिपल के चांस अभी भी भरपूर हैं। और भरपूर क्या है, ट्रिपल ही है, मेरे को तो नहीं लग रहा अभी ये फेल होने वाला है। चलो भाई साहब देखते हैं, ट्रिपल ही है ठीक है। अभी देखा आप लोगों ने, तैयब भाई ने जो मिस्टेक की, ऐसी मिस्टेक की वजह से भाई साहब इतने तगड़े तगड़े अटैक फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो? मतलब बिल्कुल फोकस करके अटैक करना पड़ता है आप लोगों को। अगला अटैक स्टार्ट हो गया तुरंत, भाई साहब देखते हैं अगला अटैक कौन कर रहा है यहाँ पर। अगला अटैक भाई साहब यहाँ पर, चलो भाई साहब देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पर हाइब्रिड हो रहा है और बैक टू बैक अटैक होने, मैं भी अटैक करूँगा और आज हो सकता है मेरा अटैक फेल हो जाए क्योंकि 21 स्टार करने वाले हैं ना इसलिए। चलो भाई साहब, और हाँ गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर क्वीन को किधर लाएंगे, ये क्वीन को ला रहे हैं टाउन हॉल पर। ओके क्वीन इनके टाउन हॉल पर आ भी जाएगी शायद, चलो आ गई ये टाउन हॉल पर। किधर जा रही है भाई, नीचे ना आ जाए। चलो यार ये वाला जो एयर डिफेंस है ना, ये दिक्कत ना कर दे यहाँ पर। क्वीन यार नीचे आएगी अभी, इनको ना कुछ और प्लान करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। क्वीन को टाउन हॉल पर ले आना चाह रहे थे लेकिन क्वीन टाउन हॉल पर नहीं जाएगी। हाइब्रिड वहीं से प्लान कर लिया, हाइब्रिड वहीं से स्टार्ट करेंगे अब। ओके चलो भाई साहब देखते हैं, क्वीन तो नीचे आ गई इनकी और क्वीन आप लोगों को पता ही है भाई साहब धोखा देने में माहिर है। फिलहाल यहाँ पर एक बॉम्ब टावर रखा हुआ है जो कि भाई साहब स्प्लैश डैमेज है, आप लोगों को पता ही है बहुत डैमेज यहाँ पर दे रहा है। एंड वार्डन एबिलिटी इनको टाउन हॉल पर यूज़ करनी पड़ेगी, अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। किंग की एबिलिटी यूज़ कर दी थी, वार्डन एबिलिटी भी यूज़ कर दी है क्योंकि किंग को भी देना चाहते थे वार्डन की एबिलिटी, इसलिए यहाँ पर हिल डालेंगे क्या। टोर्नाडो में फंस गई हाइब्रिड, अरे भाई साहब ये थोड़ी दिक्कत है। चलो फिलहाल यहाँ पर आर्मी थोड़ी बहुत तो बची है, मतलब एक रेज मार दी है यहाँ पर, स्कैटर को फ्रीज कर दिया उधर से। एंड अटैक काफ़ी तगड़ा जा रहा है गाइस। फिलहाल यहाँ पर क्वीन का डाउन होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वीन ना आर्मी को मार रही है धीरे धीरे, माइनर्स आ रहे हैं लेकिन वो स्केली पर चले गए। चलो भाई साहब रॉयल चैंपियन मार रही है क्वीन को, मार दिया है। और गाइस ये तो 3 स्टार हो गया, 3-3 सुपर वॉल ब्रेकर यहाँ पर स्वैग कर दिए गए, कोई काम ही नहीं उनका। और ये पावरफुल अटैक था, मतलब क्वीन अगर टाउन हॉल पर आती तो सोचो और कितना पावरफुल जा सकता था ये अटैक, समझ लो। ये हो गया यहाँ पर 3 स्टार इजी। अभी देखते हैं भाई साहब क्या स्कोर हुआ है हमारी साइड से। हमारी साइड से भाई ओपनिंग में तो आप लोगों को पता ही है 2 स्टार हुआ था, उसके बाद 2 अटैक यहाँ पर बैक टू बैक 3 स्टार हो गए, 3 में 8 हो चुका है। ओके गाइस अगला अटैक यहाँ पर नासिर कर रहा है भाई साहब, देखते हैं यार नासिर भाई का अटैक। नासिर भाई फिल्म लाने वाले हैं बैक साइड से। ओके एंड ये बेस लेआउट काफ़ी पुराना है, इसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके रखा है बंदे ने ऐसा लग रहा है शायद, हाँ मॉडिफाई किया हुआ है थोड़ा बहुत। ओके एंड यहाँ पर बिलिंप ओपन होगी, यहीं पर टोर्नाडो होता था शायद आप में से काफ़ी बंदों को याद होगा जो जो लेजेंड पुशिंग करता होगा। फिलहाल यहाँ पर टोर्नाडो नहीं है, कहीं और रखा है इस बंदे ने टोर्नाडो को। एंड वैल्यू भाई साहब बहुत ओपी मिलने वाली है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता अब ये बेस बचेगा कहीं से लेगा कहीं तक। ये तो गाइस 3 स्टार ही लग रहा है क्योंकि इतनी वैल्यू मिल गई है ना। मैं इस बेस के ऊपर बिलियार्ड लालो करता था लेजेंड लीग में, जब मैं पुशिंग करता था बिलियार्ड लालो से, और भाई साहब मैं बिलिंप ना सेम जगह खोलता था वार्डन एबिलिटी में अर्ली, और लावल बिना वार्डन के करता था इस बेस में और ईजी ट्रिपल जाता था ये बेस। तो यहाँ पर नासिर भाई ने सेम उसी टाइप का हिट किया है, और ऐसे हिट बनता है ऐसे बेसों पर, जहाँ पर वैल्यू रखी है वहाँ पर वार्डन की कुर्बानी दे दो भाई साहब। वार्डन को मरने तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वैल्यू जो है ना वो ले जाओ आप लोग। अभी देखो गाइस यहाँ पर ना आर्मी बच गई है, क्वीन बच गई, रॉयल चैंपियन सब कुछ बच गया है, फिर ड्रेस बचा है वो निकालना है और वो निकल ही जाएगा, टाइम फेल तो होने का नहीं है, इतनी सारी आर्मी इतना कुछ है और टाइम इतना बचा हुआ था।
तो गाइज स्कोर तो यहाँ पर ठीक ठाक कर दिया हमारे बंदों ने। तो गाइज अपने मेन अकाउंट में हूँ और आप लोगों को पता ही है भाई साहब, अभी तक परफेक्ट चल रहा है मामला। और मैं करूँगा अटैक, क्या आज मेरा अटैक फेल होगा या 3 स्टार होगा वो तो पता लगेगा अटैक करने के बाद। तो चलते हैं भाई साहब अटैक के लिए। अटैक करना है इस बेस पर और बिल्कुल अंधा अटैक करेंगे क्योंकि आज हमें करना है फेल, ठीक है। चलो भाई साहब देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर हमें बेबी ड्रैगन से फनल बना लेना चाहिए थोड़ा सा यहाँ से। ओके यहाँ पे एक इलेक्ट्रो, और भाई साहब हमारे जो हीरो है ना वो आएंगे यहाँ से। चलो गाइस ये इलेक्ट्रो आ गए, ये बलून्स आ गए, वार्डन यहाँ पर, रेज वार्डन की एबिलिटी। ओके चलो भाई साहब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने फ्रीज मारा है क्वीन के ऊपर, किंग की एबिलिटी यूज़ कर देते हैं, सिंगल और एयर डिफेंस को फ्रीज किया है। अटैक तो तगड़ा सा ही आ रहा है, रेज मार दिए यहाँ पे, और भाई साहब ये अटैक बहुत तगड़ा दिख रहा है मेरे को। और ऐसा ना हो कि दोबारा यहाँ पे वो हो जाए जो हमने उस दिन करा था, और लग तो रहा है कि हो ही गया है अब। है गाइस हो गया ना वही जो हमने उस दिन करा था। और ये कारनामा दिखाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो कर दिया हमें जो करना था, हमें अंधा स्वैग करना था और हमने कर दिया अंधा स्वैग, ठीक है। जितने भी बंदे इस अटैक को देख रहे हैं ईमानदारी से सारे बंदे चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि इस CWL में इतना स्वैग ये सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं, और शायद आज ज़्यादा है। देखो CC बच गई, RC सब कुछ बचा हुआ है, 3 फ्रीज बच गई, समझ रहे हो। इतना OP स्वैग बैक टू बैक दिखाना आसान बात नहीं होती, आप लोग जानते हो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। नीचे लाल कलर का बटन है, दबा दो उसको। और अटैक तो फेल हुआ नहीं है, अब देखो भाई साहब जो लास्ट वाली वोर होगी उसमें ट्रिपल अगर पड़ गया तो 21। तो गाइस ये रहा स्कोर बोर्ड आप लोगों के सामने, अभी हम लोग नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने गैप बना के रखा है बहुत ज्यादा। तो गाइस चैनल पर अगर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू।